नमस्कार दोस्तों, फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चना मसाला की एक बेहतरीन और स्वादिष्ट रेसिपी। आज की रेसिपी नो ग्राइंडिंग नो बॉइलिंग रेसिपी है, लेकिन स्वाद में इतनी बेहतरीन है कि इसके सामने नॉनवेज भी फेल है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चना मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप काले चने लिए हैं, ये पूरी रात के लिए मैंने भिगो कर रख दिया है। 2 मीडियम साइज के आलू चौकोर टुकड़ों में कटे हुए, 3 बड़े प्याज स्लाइसेस में कटे हुए, 2 बड़े टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन की और 1.5 इंच अदरक ग्रेट करके लिया है। ये सब्जी हम कुकर में बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने कुकर में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें आप तेज पत्ता डाल देंगे। इसके बाद हमने जो प्याज के स्लाइसेस काट के रखे हैं और थोड़ा सा प्याज उसमें से डाल देंगे और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और साबुत लहसुन की कलियां। इसको भी अब हम प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल धीमा रख देंगे और इसी समय हम इसमें डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे चने। चनों को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को इस समय हम धीमा कर देते हैं और अब हम चनों में मिलाएंगे प्याज। तो जो हमने स्लाइस किए हुए प्याज रखे हुए हैं उनको हम चने में डाल देते हैं और फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इस समय हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हमको चने और प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि जो नमक है वो प्याज और चने में प्रॉपरली मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और अब हम चने और प्याज को कुकर में इवन करके स्प्रेड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला, तो यहाँ पे मैंने पिसा गरम मसाला का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून गरम मसाला हम मिला देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें मिला देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पर 3 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। 3 सीटियाँ आ चुकी हैं और अब हम कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद इसको खोल कर देखेंगे। तो ये जो प्याज है वो अच्छी तरीके से गल गया है और हम अब धीमी आंच पर ही हमें इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें मिला देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी अच्छी तरीके से मसालों के साथ हम भून लेंगे ताकि ये जो टमाटर है वो थोड़े मुलायम हो जाए। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अदरवाइज इसको स्किप भी किया जा सकता है। तो 1 से 1.5 मिनट हम इन सारी चीज़ों को अब एक साथ धीमी आंच पर ही भून लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें मसाले को और चने को बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है। ये चना मसाला हम थिक ग्रेवी के साथ बनाएंगे, तो इसके लिए अब हम इसमें पानी डालेंगे। आप अगर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करिए। पानी डालने के बाद अब हम एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे। सब्जी पकने के बाद हम कुकर का प्रेशर खुद से रिलीज होने देंगे और जब एक बार प्रेशर खुद से रिलीज हो जाए तो हम ढक्कन हटाकर सब्जी को चेक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो चने की सब्जी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है। और अब आप इस सब्जी को मिक्स कर लीजिए और इसको गर्मा गर्म सर्व करिए। तो इसके लिए हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और उसमें सब्जी को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि चना मसाला की ये रेसिपी बनाने के लिए ना तो मुझे कुछ पीसने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मुझे चनों को उबालने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन फिर भी ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो दोस्तों, चना मसाला हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको गार्निश करेंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्तियों से। चना मसाला की ये रेसिपी आप पूड़ी, पराठा, रोटी या चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में दोस्तों ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आने वाली है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, जल्दी से इसको बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए। और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो देर मत करिए दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए फ्लेवर्स फ्रॉम बनारस। नमस्कार।